दिल बहलाने को एक चीज मुफ्त में हाथ से निकल, बहुत तीखा सा हो जाता था उस घर में गुनाह का एहसास। पहली बार उसे चूमा कहां था? शर्म नहीं आती तुम्हें जो चला गया उसके बारे में ऐसी बात करते हुए? क्यों? क्योंकि चोट पहुंचेगी, तुम चुभन होगी। पर मेरा रिश्ता क्या था? इतना ही घमंड है अपने रिश्ते पर तो जंजीर बनाकर उसके पैर में, मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर? नहीं नहीं, वहां कभी नहीं। लेकिन क्यों करती थी वो ऐसा महसूस? काश तुमने देखी होती उसके मन की वो कचोट। अगर हमारे बच्चा होता तो क्या कुछ फर्क पड़ सकता था? अगर ऐसा हो जाता तो ये नहीं होता, अगर वैसा हो जाता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। मुझे नहीं चाहिए किसी की दया, मैं भिखारी नहीं हूं। क्योंकि नहीं चाहते थे? कौन? दोनों। उसे तुम्हारा बहुत ख्याल रहता था। गलत थे वो लम्हे, वो तुम्हारे बारे में बहुत बातें करती थी, वो पूरा एहसास ही गुमराह था। तुम मिठाई के लिए एलर्जिक हो, ठंडा पानी पीने से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। तुम हमेशा मौजूद थे कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि वो डूब नहीं पाती थी इस साथ में। तुमने कभी उसे उस तरह से तो नहीं लिया था? शहरी के दो पैक पीने के बाद कितनी हल्की सी हो जाती थी, और दाएं गाल पर, होठों के पास दहकते अंगारे सा वो तिल। लेकिन मेरे घर की एक एक चीज से उसकी यादें जुड़ी हैं। उसकी साड़ी के पल्लू पर कहीं तुम्हारी उंगलियों की छुअन। मैं खिड़की खोलता हूं तो, पर्दा हटाता हूं तो खालीपन इस तरह छा जाता है दिलो दिमाग पर कि यादों के दबाव से नसें फटने लगती हैं। 10 सेकंड भी मेरे लिए मुश्किल है उस चार दीवारी में गुजारना। एकदम फिजूल की बातें जिनका कोई मतलब भी नहीं है। अब हमारे बीच सब कुछ बुझ सा गया था। हमेशा होती थी इस बात की चुभन की कि कल रात तुमने उसे छुआ होगा, कि आज रात फिर। शुरू के दिनों की याद करके बहुत शर्मिंदगी होती है जब जब तुम कहीं नहीं थे हमारे बीच।